दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाक वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले के बारे में। और इस बार जो मुकाबला है दोस्तों, वो खेला जाएगा सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन के अंदर। और लास्ट के खेले गए 4 मैचेस का दोस्तों मैंने यहाँ पे जो स्कोर कार्ड है वो मैंसन कर दिया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हैं। तो कुल मिला के बात की जाए दोस्तों, पिच है वो बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है दोस्तों वो लगभग 174 है, तो लगभग दोस्तों 180 से 190 के आसपास जो एवरेज स्कोर है वो देखने को मिल सकता है। पेसर स्पिनर्स के बारे में बात करें तो पेसर हावी रहे हैं। पेसर ने 39 विकेट निकाले हैं और स्पिन गेंदबाजों को यहां पे 12 विकेट मिले हैं। तो दोस्तों, लास्ट के जो दो मैच हुए हैं उसमें कंपटीशन कड़ा रहा है। पहला मुकाबला है वो पाकिस्तान ने 4 विकेट से विन किया था और दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से विन किया। तो ये मुकाबला भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। तो जे मलान और दोस्तों यहां से एडम मार्करम आपको ओपन करते नजर आएंगे। मलान दोस्तों परफॉर्मेंस तो ठीक दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं वैसी बड़ी इनिंग अभी तक इनके बैट से देखने को नहीं मिली है। तो आज दोस्तों एक बड़ी इनिंग की उम्मीदें आप इनसे लगा सकते हैं। ग्रैंड लीग खेलें तो जरूर आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लीजिएगा। इस ग्राउंड में 2 मैच में 36 रन है, हेड टू हेड के अंदर 22 का बैटिंग एवरेज है। मार्करम लगातार 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। ग्राउंड के ऊपर 47 का इनका बैटिंग एवरेज है, हेड टू हेड के अंदर 53 का, तो एक बिल्कुल डिफेंसिव पिक रहेगी। इनके बाद विहान ल्यूब लगातार 1 डाउन बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में दोनों मैचेस के अंदर फ्लॉप हैं। ग्राउंड के ऊपर 1 मैच में 37 रन है, हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। हेनरिक क्लासेन टीम की कैप्टनसी करने वाले हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। पहले मैच के अंदर 50 तो लास्ट मैच के अंदर 36 रनों की नाबाद इनिंग खेली थी। इस ग्राउंड के ऊपर रिकॉर्ड दोस्तों काफी जबरदस्त है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन में दोस्तों आप बिल्कुल इनको ट्राई करके चल सकते हैं। पीट वैन विलजोन नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे। पहले मैच के अंदर 34 किए थे, लास्ट मैच में सिर्फ 2 रन ये बना पाए थे। ग्राउंड के ऊपर 39 का बैटिंग एवरेज है, हेड टू हेड के अंदर 4 मैच में 94 रन बनाए हैं। जी लिंडे अटैकिंग बल्लेबाज हैं, पहले मैच में 6 रन बना पाए थे, लास्ट मैच में 20 रनों की नाबाद इनिंग खेली। बैटिंग के अलावा 3 से 4 ओवर गेंदबाजी करेंगे। पहले मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन लास्ट मैच में दोस्तों इन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की। 4 ओवर में 23 रन खर्च करके 3 विकेट निकाले थे। ग्राउंड के ऊपर 2 मैच में 25 रन बैट के साथ है। 44 का स्ट्राइक रेट गेंदबाजी में है, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है दोस्तों। 7 ओवर के बाद इन्होंने 3 विकेट निकाले हैं। आदिल फुलकाए दोस्तों बैटिंग भी काफी लेट आती है, ज्यादा टीम गेंदबाजी भी नहीं करवा रही है, तो स्मॉल लीग में इतनी अच्छी पिक नहीं रहेगी, लेकिन ग्रैंड लीग में दोस्तों आप इनको गेंदबाजी के तौर पर ट्राई करके चल सकते हैं। और इनका रिकॉर्ड देखोगे इस ग्राउंड के ऊपर तो 25 ओवर गेंदबाजी करने के बाद 5 विकेट निकाले हैं। इनके बाद एस मंगला है, पहले मैच में 3 ओवर 35 रन कोई विकेट नहीं, लास्ट मैच में 4 ओवर में 32 रन खर्च करके 1 विकेट निकाला। ग्राउंड के ऊपर 20 ओवर में 5 विकेट है, हेड टू हेड के अंदर 7 ओवर में 1 विकेट है। इनके बाद बी हेनरिक्स है, पहले मैच के अंदर 3 विकेट निकाले थे, लास्ट मैच में गेंदबाजी अच्छी की, विकेट नहीं मिला था, लेकिन ग्राउंड रिकॉर्ड और हेड टू हेड दोनों काफी अच्छा है, तो बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हैं। लिजार्ड विलियम्स लगातार दोस्तों नाम के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया, पहले मैच में 1 विकेट था, लास्ट मैच में 4 में 35 रन खर्च करके 3 विकेट निकाले। इस ग्राउंड के ऊपर 1 मैच में 3 विकेट हैं, हेड टू हेड के अंदर 8 ओवर के बाद 4 विकेट निकाले हैं। टैबरेज सैमसी चाइना मैन गेंदबाज हैं, पहले मैच के अंदर 2 विकेट और लास्ट मैच के अंदर दोस्तों 1 विकेट निकाला था। ग्राउंड रिकॉर्ड और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी दोस्तों इनका अच्छा रहा है, तो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कीजिएगा। बाकी बेंचेस के प्लेयर में से दोस्तों अगर कोई खेलेगा तो इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा की तरह टेलीग्राम में मिलेगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के 2 लिंक आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएंगे, या फिर आप सीधा टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको टाइप करना है WGF24 और सर्च करके जुड़ जाना है टेलीग्राम के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों पाक के बारे में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों पाक ने लास्ट मैच के अंदर रिजवान के साथ ओपन करवाया था सरजील खान से। हो सकता है दोस्तों सरजील खान की जगह पे फखर जमान को भी ये वापस ला सकते हैं। रिजवान की परफॉर्म के बारे में बात करें दोस्तों, रिसेंट परफॉर्म काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे पहले मैच में 74 नाबाद किया, लेकिन लास्ट मैच में खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, कभी भी बड़े रन लगा सकते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, ग्राउंड के ऊपर 1 मैच में 26 रन है। सरजील खान हिट और मिस टाइप वाले प्लेयर हैं, जो कभी भी आउट हो सकते हैं, कभी भी बड़े रन लगा सकते हैं। बाबर आजम एक कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, पहले मैच में 14 किए, लास्ट मैच के अंदर 50 बनाए। ग्राउंड के ऊपर 1 मैच में 23 रन है और हेड टू हेड के अंदर 33 का बैटिंग एवरेज है। मोहम्मद हफीज है दोस्तों, ये प्लेयर आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर बन सकते हैं, तो जरूर अपनी ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना लीजिएगा। पहले मैच में 13 किए थे, लास्ट मैच के अंदर 32 किए थे। इस ग्राउंड के ऊपर 1 ही मैच खेला था, जिसके अंदर इन्होंने 86 रन बनाए थे और हेड टू हेड के अंदर 25 का बैटिंग एवरेज है, तो बिल्कुल एक डिफेंसिव पिक रहेगी। इनके बाद हैदर अली हैं, एक एग्रेसिव टाइप के हिट और मिस टाइप वाले प्लेयर हैं। पहले मैच में 14 किए, दूसरे मैच के अंदर 12 रन बनाए, हेड टू हेड के अंदर 5 मैच में 72 रन इनके नाम है। फहीम अशरफ
एक अटैकिंग बल्लेबाज है, टीम कभी भी प्रमोट कर सकती है। पहले मैच में अटैकिंग 30 बनाए लेकिन लास्ट मैच में सिर्फ 5 रन ही बना पाए। बैटिंग के अलावा एक पार्ट टाइम गेंदबाज की भूमिका निभा रहे हैं। पहले मैच में 2 ओवर 18 रन 0 विकेट, लास्ट मैच में 1 ओवर में 14 रन, कोई विकेट इनको नहीं मिला। इस ग्राउंड के ऊपर दोस्तों 4 ओवर गेंदबाजी करने के बाद इन्होंने 2 विकेट निकाले हुए हैं और हेड टू हेड के अंदर 14 ओवर गेंदबाजी करने के बाद 4 विकेट निकाले हैं। हसन अली हैं, अच्छे विकेट टेकर गेंदबाज हैं और अच्छे रिदम में भी नज़र आ रहे हैं और अब तक खेले गए 2 मैच में दोस्तों 3 विकेट निकाल चुके हैं। इकोनमी भी काफ़ी अच्छी रही है और लिस्ट ए के अंदर इस ग्राउंड में इन्होंने 16 ओवर गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट निकाले हैं। हेड टू हेड में 18 ओवर के बाद 6 विकेट। इनके बाद मोहम्मद नवाज़ हैं, बैटिंग दोस्तों काफ़ी लेट आएगी और बैटिंग परफॉर्म इतनी अच्छी भी नहीं चल रही है लेकिन गेंदबाजी में 3 से 4 ओवर गेंदबाजी करके देंगे। पहले मैच के अंदर 2 विकेट थे लेकिन लास्ट मैच में कोई विकेट इनको नहीं मिला था। और ग्राउंड के ऊपर रिकॉर्ड दोस्तों बैटिंग में कुछ खास नहीं है लेकिन गेंदबाजी में 3 ओवर गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट इन्होंने निकाले हुए हैं। इनके बाद यहाँ से साइंस अफरीदी हैं जो कि दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर, ज़्यादा विकेट नहीं निकाल पाए हैं। हालांकि दोस्तों एक बड़े गेम चेंजर प्लेयर हैं जो कभी भी गुच्छों में विकेट निकाल के दे सकते हैं। अब तक 2 मैच में सिर्फ 1 विकेट इनके नाम रहा है। ग्राउंड के ऊपर 4 ओवर 1 विकेट, हेड टू हेड में 26 ओवर के बाद 5 विकेट निकाले हैं। इनके बाद उस्मान कादिर लेग स्पिन गेंदबाजी करेंगे। पहले मैच में 38 रन 0 विकेट, लास्ट मैच में 2 ओवर में मार तो काफ़ी पड़ी लेकिन 2 विकेट निकालने में कामयाब हो गए थे। ग्राउंड रिकॉर्ड काफ़ी खराब रहा है। हेड टू हेड में 18 ओवर के बाद 6 विकेट इनके नाम है। मोहम्मद हसनैन है, पेस टैग को लीड करने वाले हैं। 2 ओवर में 25 रन देकर दोस्तों लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला था। ग्राउंड रिकॉर्ड काफी खराब है और हेड टू हेड में दोस्तों यही 2 ओवर है जिसमें इन्होंने पिछले मैच में 1 विकेट निकाला था। बेंच के ऊपर फखर जमान बैठे हुए हैं जो खेलेंगे दोस्तों, तो एक एग्रेसिव टाइप के प्लेयर हैं जिनके ऊपर ज्यादा भरोसा तो नहीं कर सकते लेकिन अच्छी लैम में नजर आ रहे हैं पिछले कुछ मैच से, तो खेलेंगे तो दोस्तों अच्छी बैटिंग कर सकते हैं क्योंकि पिच है वो बैटिंग के लिए काफी अच्छी है। हसन रौफ की दोस्तों काफी पिटाई हुई थी, 1 विकेट निकाला था, उसके बाद से बैंच पे बैठे हुए हैं। तो अदर किसी प्लेयर को अगर मौका मिलता है दोस्तों तो वो अपडेट आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल में सबसे पहले मिलने वाली है। तो टेलीग्राम को बिना देर किए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए WGF24 और जुड़ जाइए टेलीग्राम के अंदर। अब दोस्तों देर ना करते हुए सीधा मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे स्मॉलिक का टीम प्रीव्यू, जिसके अंदर दोस्तों मैंने क्लासेन को ट्राई किया है, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, मार्करम है, जेमलान है, मोहम्मद हफीज, जे लिंडे, मोहम्मद नवाज हैं, बी हैनरिक्स, लिजात विलियम्स और हैदर हली को ट्राई कर रहा हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन में दोस्तों बाबर आजम तो सबकी फेवरेट पिक रहेगी, इनके अलावा रिजवान, ये दोनों तो दोस्तों लगभग आपको सेम मिलने ही वाले हैं। इनके अलावा दोस्तों डिफेंसिव पिक में अगर आप जाना चाहते हैं तो दोस्तों कलासेन का जो ग्राउंड रिकॉर्ड है दोस्तों काफ़ी अच्छा है और रिसेंट परफॉर्म भी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो आप इनके साथ जा सकते हैं। बाकी एडम मार्करम अच्छी पिक रहेगी। ग्रैंड लीग की बात की जाए दोस्तों, मोहम्मद अफीज और जेमलान, इन दोनों का नाम बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों। जो भी टीम पहले बैट करेगी उसकी टीम की ओर से आप इनमें से, अगर पाक पहले बैट करता है तो अफीज को, अगर अफ्रीका पहले बैट करती है तो मलान को जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में बना लीजिएगा। बाकी मेरी जो फाइनल अपडेटेड टीम और कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे वो टॉस के बाद आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम को बिल्कुल मिस मत करें। टाइप करें WGF24 और सर्च करके जुड़ जाएं टेलीग्राम के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।